नमस्कार आदाब, लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर दोस्तों। मुंबई खिलाफत हाउस बायकला में ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश मुंबई यूनिट ने जमात की मरकजी कमेटी के सदर जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी को लगातार पांचवीं बार सदर मुंतखब होने पर और साथ ही जनाब इमरान बाबू कुरैशी को कोर कमेटी मेंबर मुंतखब होने पर इस्तकबालिया दिया, जिसमें अमादीन शहर ने शिरकत की और जिनको पगड़ी पेश कर इस्तकबाल हुआ। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जमात के नेशनल सेक्रेटरी अयूब कुरैशी, साथ ही आसिफ कुरैशी और शाहनवाज थाना वाला पेश थे। मैं सोहेल अंसारी, देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। दो हजार 24 के अंदर हम लोग जो है 100 साल जश्न मनाने जा रहे हैं जमीन का प्रेस। और बिरादरी के बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि भैया रसीदीन साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी मेरठ से, आज तक कि जमीन का प्रेस जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा मकाम हासिल कर चुकी है। और वो तभी होता है जब आप सब लोगों का ताबुन होता है, आप लोगों को अंदर से जुड़ते हैं। तो मैं बताता हूँ प्रेस बिरादरी क्या है कि हम लोग ज़मीन पे टाट पे बोरी पे बैठा करते थे। हम लोगों को इतना ये मामले में शोर भी नहीं था कि हम लोग कुर्सी पे बैठ सकें या बेस पे बैठ सकें या बेस पे हम लोग अपने इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अंदर तालीम थी और नहीं। भैया ऐसी दिन ने तमाम चीज़ों को शुरू कराया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम एयर कंडीशन हॉल में बैठ जाते हैं, अपनी बात बनवा लेते हैं। देखिए दो चार चीज़ें जो मैं बार बार बिरादरी के सामने कहता हूँ, कोई ऐसा कैप्सूल या ऐसी कोई कैबिनेट तो बनने वाली नहीं है कि जो उसको खिला के हम लोग अपना जहन बदल लें या अपना तौर तरीका बदल लें। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, सब जानते हैं, और यहाँ पे जब भी मीटिंग होती है मसाइल का जिक्र होता है। तो मसाइल कैसे हैं, मैं किसी को उसका दोष नहीं देता, किसी को उसका इल्ज़ाम नहीं देता। मैं अपनी बिरादरी के ही लोगों को इल्ज़ाम देता हूँ कि उन्होंने अपने कारोबार के साथ ज्यादती की और कोई इंसाफ नहीं किया। तो मैं हमेशा ये बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए, नौजवानों को समझना चाहिए, आपका बेटा आशीष आजमी मील का काम करना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मील का काम करते हैं उस तरीके से कोई भी आदमी उसको अच्छा, कोई भी उसको काम अच्छा नहीं लगेगा। आप एक पढ़े लिखे लड़के को तालीम के अंदर ग्रेजुएशन करा दीजिए और कोई कभी मीटर काम कर वो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसके लिए बेहतरीन दुकान बना दें, एयर कंडीशन दुकान बना दें, बहुत अच्छा स्लॉटर हाउस। आज स्लॉटर हाउस की पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि 25 साल पहले मैंने कहा था ये मॉडल है स्लॉटर हाउस का और ये दुकान का मॉडल है और ये ट्रांसपोर्ट का मॉडल है। ये सारे के सारे मॉडल मैंने अब से 20 साल 22 साल पहले लोगों को दिखाए, मैंने कहा इससे अमल करो। और आने वाले टाइम के बारे में बता दिया कि आने वाला जो वक्त है उसके अंदर ये सारी मुसीबतें परेशानियां आने वाली हैं जो आज आप महसूस कर रहे हैं, इनको आप फेस कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग तकलीफ करते हैं, आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन ये मुबारकबाद तो सारी के सारी आपके साथ, क्योंकि आपने मुझे इज्जत दी। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे इज्जत इसलिए दी क्योंकि आप मेरी इज्जत करते हैं बिरादरी के नाते, कुरैशी होने के नाते। और ये कुरैशी का लफ्ज जो है, मैंने अभी भाई मैंने ये कुरैशी का लफ्ज लोगों को बार बार कहने के बाद शुरू करा है कि अपने नाम के आगे कुरैशी ज़रूर लिखो। अब अंसारी और कुरैशी तकरीबन दो ऐसी बिरादरियाँ हैं जो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन मुसलमानों के अंदर 50-60% से ज़्यादा होगी। 6 करोड़ से ऊपर अंसारी हैं, 5 करोड़ से ऊपर जो कुरैशी हैं। तो कहाँ करोगे अब 18 करोड़ मान लो, 20 करोड़ मान लो, 25 करोड़ मान लो, 60% 70% बिरादरी आती है। ये दोनों जुड़ जाए तो हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा देंगे। अगर ये दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी वक्त परेशानी अंसारियों के साथ भी है, लेकिन उनका चूँकि कारोबार दूसरा है, वो दूसरों की नज़र में नहीं आता, हमारा कारोबार एकदम सबकी नज़र में आ जाता है। मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो बार बार करता हूँ, कि अपने कारोबार को सुधारिए। अभी MLA साहब ने तो आपसे वादा कर दिया कि दो हफ्ते लिख दीजिएगा कमीशन को और कॉर्पोरेशन कमीशन को,
ये पहल जो है बहुत पहले करनी चाहिए थी हमको जो आज करते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे कारोबार के साथ नाइंसाफी हो रही है और हम लोग आराम से बैठे हैं। भाई अपने कारोबार को सुधारो, अपनी दुकानों को सुधारो, अपने स्लॉट हाउस को सुधारो। नहीं भाई, मैंने कहा था कि एक छोटा स्लॉट हाउस जो है 200 गज में ही बन जाएगा। करना क्या है उसके अंदर, एक छोटी सी ऊपर लाइन डाल दीजिए, नीचे फ्रेज बना दीजिए, टाइल लगा दीजिएगा, अच्छे कपड़े पहन के जो है भाई आपका। मैं बात कहता हूँ, स्लॉट हाउस जो है वो ऐसा भी नहीं है कि आपने स्लॉट हाउस बना दिया। मैंने पहला स्लॉट हाउस हिंदुस्तान के अंदर लगाया, अब से 22 साल पहले उसकी कीमत 100 करोड़ रुपये थी। 100 करोड़ को आप 20 साल, अब 22 साल, 25 साल हो गए, उसको कितनी कीमत हो गई होगी उसकी। और पहला मॉडल ऐसा बनाया था कि कोई सोच नहीं सकता था, पूरे एशिया के अंदर वो सबसे पहला मॉडल बना था। और मैंने उसकी फ़ोटो जो है उसके मॉडल बना बना के अपनी बिरादरी के लोगों को दिखाया कि ऐसे कर रहा हूँ। बिरादरी के लोगों को मैंने वहाँ इन्वाइट भी किया, मैंने कहा कि आप देखो इस तरह से करना है आपको। वो बहुत बड़ा स्लॉट हाउस था, उसको छोड़ दीजिए। इस स्लॉट हाउस का क्या मतलब है कि आपने आपकी उंगली कट जाती है किसी छुरी से या किसी लोहे की चीज से, डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करता है कि आपको टाइटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। मेरे भाई ने दोस्तों, जब आप ऐसी छुरी से जानवर को काटोगे जिसके अंदर जंग लगा हुआ है, तो उस जानवर के अंदर भी बैक्टीरिया आ जाएगा। क्योंकि हम लोग मीट खाते हैं, उसको अच्छी तरह पका लेते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कच्चा मीट खिला दीजिए किसी को तो बीमार हो जाएगा। तो क्या मुश्किल क्या है? मैंने तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट से स्कीम बनवा दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से 5-5 लाख रुपये के मैंने बिरादरी के नाम करा दिया था कि 5-5 लाख रुपये दुकान के लिए आपको मिलता है, आप ले लो आगे, नॉट ए सिंगल पर्सन के। एक आदमी ने उसको अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं अप्लाई किया? अरे भाई ये है वो है, मुश्किल है, पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं लिखे। कहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, कब करेंगे, कौन सा वक्त आएगा? कल मुझे भी चले जाना है, मेरी जैसी उम्र के लोगों के आगे पीछे चले जाना है। कुछ की बात तो मानो, किसी की बात तो मानो। अपने कारोबार की बात कर रहा हूँ मैं, और की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप पगड़ी पहनो या पैंट पहनो या शेरवानी पहनो। एक चोहा पहन लो आप दुकान पर खड़े होकर, एयर कंडीशन करवा लो दुकान के अंदर, जालीदार दरवाज़ा बना लो दुकान के अंदर। अगर आपको 20,000-50,000 रुपये खर्च भी करने पड़ेंगे दुकान पे, तो एक महीने के अंदर वापस आ जाएंगे, फिर 10 रुपये आप किलो उससे बढ़ा के आप दे दो कस्टमर से। कस्टमर आपकी दुकान में घुसने के लिए तैयार नहीं है, वो जानता है कि मक्खियाँ भी लग रही हैं यहाँ पे। अब चूँकि मेरे बिरादरी के अलावा भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। और हकीकत से हम ग्रेस करते हैं। आपने इतना वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए मुझे मुबारकबाद देने के लिए, सुनने के लिए। तो मैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता रहता हूँ। मैंने 20 साल पहले डॉक्टर साहब अपनी बिरादरी के लोगों से 20 साल पहले ये कहा था कि देखो मैं चंदे का पायल नहीं हूँ, लेकिन अगर 5 करोड़ लोग हमारे हैं और 1 रुपया रोज़ भी जमा करें तो कितना हो गया, 5 करोड़ रुपया रोज़ हो गया। मैंने कहा 5 करोड़ को छोड़ दो, सिर्फ 1 करोड़ लोग जो है 1 रुपया रोज़ जमा कर लें। 1 रुपया रोज़ से कितना हो जाता है, 1 करोड़ 20 साल में कितना हो गया। ये तो 1 करोड़ जो है वो आपका रोज का है, महीने का कितना हुआ, साल का कितना हुआ। आज आपके पास तकरीबन 2-3 हज़ार करोड़ रुपया होता है जेब में, अगर उस वक्त मेरी बात मानी जाती थी। वहाँ पे आज भी कोई नहीं कहेगा कि हमें 1 रुपया देने का तैयार हो, तो उस वक्त 1 रुपये की वैल्यू थी, 1 रुपये का नोट नजर आता था। आज आपको 1 रुपये का 5 रुपये का नोट जो है वो नजर नहीं आएगा, गायब हो गया। 10 रुपये भी माफ कीजिए, किसी फकीर को आप दें तो वो भी मुंह बनाता है कि 10 रुपये से क्या होगा, कार में बैठे हो 10 रुपये दे रहे हो मुझे सिर्फ। तो ये समझे भाई मेरे जीव, मुझे बहुत गर्व लगता है ऐसा बातें कहते हुए कि मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपका दर्द समझता हूँ, अपना दर्द समझता हूँ। मैं आपके दर्द को अपने साथ लेकर चलता हूँ, और मुझे अफसोस होता है जब इस तरह की खबरें आती है कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि ये हमारी मुश्किल है, ये हमारी परेशानी है, ये दूसरा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मुलायम सिंह जी को सब जानते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर रह चुके, मेरे उनसे बहुत अच्छे मुलाकात रहे। तो क्योंकि जब मेरा ये प्रोजेक्ट लग रहा था तो वो स्कीम थे वहाँ के, मैं तो नहीं गया लेकिन मैंने अप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने एक स्कीम निकाली थी वहाँ पर इंटर्नशिप लगाने के लिए, मेरा प्रोजेक्ट भी उसमें गया।
तो जब उनके कैबिनेट में आया तो उन्होंने फौरन रिजेक्ट कर दिया उसे। मीट की बात करते हो, नोट हाउस की बात करते हो, कैबिनेट बैठी हुई थी उनकी पूरी, पर बात हुई वो चैप्टर क्लोज हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। तो एक ऑफिसर ने मुलायम सिंह जी से कहा कि एक मिनट आपके मैं लेना चाहता हूँ, क्या बताओ कि आप 5 मिनट की फिल्म में वो देख लो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में। नहीं मुझे नहीं देखना, तो देख तो लो आप क्या होता है मीट इंडस्ट्री में। तो 5-7 मिनट की फिल्म मैंने उनको दिखवाई वो कैबिनेट के अंदर, तो वो जो है इतने दम रह गए देख के, ये है क्या मीट है, ये मीट इंडस्ट्री है। उन्होंने कहा साहब एक बार जानवर अंदर जाएगा फैक्ट्री के अंदर, कुछ बाहर नहीं आएगा, हर चीज़ जो है वो पैक हो जाएगी। प्लांट ऐसे कराया था उसके अंदर। अब आप तय बताइए कि अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर अकरम ने जनाब जानवर पाले चराए, आपको सबको मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है। कुरैश तो वहीं से आए, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, घर जानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि हम कुरैशी हैं, कुरैश खानदान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो है शजरा मिलता है। तो वो कहने लगे भाई, अब क्योंकि वो फिल्म ऐसी बनी हुई थी जानवर अंदर जा रहा है, हर चीज़ जो है उसकी प्रोसेस हो गई, हर चीज़ उसी इस्तेमाल हो गई, वो बड़े परेशान। कहने लगे कितने का प्रोजेक्ट है, उसका उससे करीब 70 करोड़ से सीपे के कॉस्ट बढ़ गई। अरे 70 करोड़ का मीट का प्लांट, हम तो देखते हैं साइकिल पर लोग लेके जा रहे हैं, रिक्शे पर लोग लेके जा रहे हैं, सारा खून बह रहा है, सड़क पर लोग काट रहे हैं, किसी को एहसास नहीं। से हमने कहा साहब इससे करोड़ों रुपए करोड़ों लोग जो है यूपी के अंदर जुड़ेंगे, और जोड़े मैंने 35,000 विलेजेस जो गांव थे वो जोड़े, मैंने 1,20,000 अपने साथ फार्मर जोड़े, मैंने 10 लाख जानवर जो है अपने अंडर में लिए, और पूरा कंप्यूटर सिस्टम। आपको कहीं भी जाना है यूपी के अंदर, मथुरा के अंदर, आपको ये पता करना है कि कितनी भैंसे हैं तो कंप्यूटर बता देगा आपको, बैठ इतने दिन का बच्चा उसके पेट में, ये सब बता देगा। तो मैंने यही नहीं किया, मैंने लोगों को एडवांस दिया, फार्मर को एडवांस दिया कि ये बच्चा जो है जब भी भैंस का आपको आपको देना हो पैदा होने के बाद ये मेरा हो गया, मैंने उनको एडवांस रख दिया। मैंने इतना काम किया इसके अंदर, मैंने बिरादरी के लोगों को बहुत समझाया कि मेरे साथ आओ, उसको देखो, ऐसा करो, इससे कहें अपना दुखड़ा किसके साथ रहूँ, आपके आगे नहीं रहूँ। इसलिए कहता हूँ ये बार बार कि कभी तो समझ लेंगे हम लोग, कभी तो हमारे अंदर सुधार आएगा। कल से शुरू करो, कमिश्नर आपके पास आ गए, आपकी तारीफ करें कि हाँ साहब क्या आपने दुकान बना रखी है। मैं कहता हूँ दुकान जो है आपकी कंप्यूटर की तरह दुकान होनी चाहिए, कि ऐसी कंप्यूटर की दुकान होती है उस तरह मीट की दुकान साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। आज मीट जो है 80% से ज़्यादा लोग नॉन मुस्लिम खाते हैं, 80-85% जो है आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। जो सरकारों से भी मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था पिछले दिनों में, जो ये बात हो रही थी कि साहब मीट बंद किया जाए, मीट बंद किया जाए भैंस, तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो करोड़ों तो किसान जुड़े हुए, और उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए वो अलग है, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्लॉटर हाउस हो गया, खाने वाले हो गए। मैंने सबसे बड़ी बात यह है जो खाने वाले हैं वो हैं 85% गैर मुस्लिम। मैंने कहा अगर मीट बंद करने की बात करते होते यार, फिश भी बंद करो, चिकन भी बंद करो। जब हड़ताल हो गई यूपी के अंदर, जब योगी साहब आए चीफ मिनिस्टर बनके पहले दिन ही, उसी रात को सब मीट के प्लांट सारे बंद कर दिए गए। वो बाहर था, दौड़ा हुआ आया, मैं उनसे मिला जाके, उनके पास जो आंकड़े थे वो बिल्कुल उल्टे सीधे दे रखे थे। कहने लगे सारे स्लॉट हाउस बंद कर दिए जाएंगे। हमने क्यों, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो सरकारी स्लॉट हाउस के पास नहीं है, हमारे पास तो है। मैंने कहा आज लाइसेंस नहीं होता, कम से कम 11 एजेंसी जो है इसके ऊपर काम करती हैं एक स्लॉट हाउस बनाने के लिए और चलाने के लिए। उनको सब बताया, वो भी दम रह गया। और क्या हुआ था कि वहाँ पर थोड़े दिन हड़ताल हो गई, तो शेर को वो जो है चिकन खिला रहे थे, शेर चिकन खाएगा क्या? मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं बताओ, आपने तो बंद करा दिया। क्या मैंने बंद नहीं किया, मेरे लोगों ने, मैंने कहा आपने लोगों को समझाओ, शेर मर जाएंगे, जो जानवर आपके जू में हैं वो सब मर जाएंगे। और मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे हमारे जानवरों की तादाद पाई जाती है दुनिया के अंदर, कहाँ लेके जाओगे?
गाय का कारोबार किसी मुसलमान ने किया नहीं, गाय का कारोबार कोई कसाई नहीं करता, कारोबार करने का तो मतलब ही नहीं, गाय महंगी है भैंस सस्ती है तो भैंस का कारोबार करते हैं। लेकिन क्या है कि वो सैंपल लेकर और फिर लेबोरेटरी में जाकर कह देंगे साहब ये गाय का सैंपल है। ये हम लोग, मैंने कहा अपने बिरादरी के लोगों से, मैंने कहा अपने बच्चों को जो है वेटरनरी डॉक्टर बनाओ, वेटरनरी डॉक्टर समझ गए आप लोग, जो जानवरों के डॉक्टर बनाओ। अब मेरे पीछे पड़ गए कि हमारे बच्चों को आप ऐसी मैसेज दे रहे हैं जानवरों के डॉक्टर बनाना चाहते हैं आप। अरे मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानवरों के डॉक्टर जो है अगर बन जाएंगे तो आपके कारोबार के अंदर बहुत फ़ायदा देंगे। आज एक एक डॉक्टर जो है सरकारी वेटरनरी डॉक्टर जो है वो लाखों रुपया महीने का कमाता है, उसकी तनख्वाह तो होगी उसकी 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन आप लोग देते हो सर करोड़ रुपया कमाते हैं सर ये सारे डॉक्टर बैठे करोड़ रुपया, क्योंकि हम लोग देते हैं कि हम यहाँ को सुधारने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ईश्वर देने के लिए तैयार है। हमने अगर मैं अगर अंदाजा लगाऊं हमने मेरे हाथ से बिलियंस रिश्वत दे दी होगी, लेकिन अपने आप के कारोबार को हमने मिलियंस में भी नहीं खर्च किया। अगर मिलियंस खर्च करते बिलियंस बचा देते हैं क्या करेंगे? आपकी जगह भी ये सब बातें तो चलती रहती हैं। बहरहाल मैं बॉम्बे के तमाम उम्मीदवार का खासतौर पर हमारे बशीर साहब सदर हैं उनका और उनकी टीम पूरी उनका मैं मशहूर ममनून हूँ। काजी साहब या तेज बुलाए, अमीर साहब या तेज बुलाए और बहुत सारे मेरे अजीज या बैठे हुए स्टेज पर भी यहाँ पे आप भी जितने लोग ऊपर बैठे हैं उससे ज़्यादा मेरे भी अजीज हैं, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को छोटे से छोटे बच्चे को बड़े से बच्चे को अपने उससे बड़ा समझता हूँ और वजीर से बड़ा समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिरादरी के लोगों की तहजीब इज्जत मेरा अपना फर्ज ही बनता है। इसलिए नहीं कि मैं सदर हूँ आपका, इसलिए बनता है कि मैं एक इंसान हूँ और आपके साथ रहा हूँ, आपके दिलों में बसता हूँ, आप मेरे दिलों में बसते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इज्जत बख्शी उसके लिए एक बार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।